हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इन फर्स्ट इलेक्शन सिंस 2019 लद्दाख क्विज अप रजिस्टर 77.61% वोटिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। विथ पाकिस्तानी पीक्स ओवर लुकिंग द पोलिंग बूथ्स इन वंस वॉर बेटेड जोन ऑफ कारगिल, द फिफ्थ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल LAHDC के इलेक्शन विटनेस्ट मैसिव 77.61 टर्नआउट ऑन वेंसडे इन द फर्स्ट एवर पोल सिंस द लद्दाख वॉज कार्व्ड आउट एज अ यूनियन टेरिटरी इन 2019। ठीक है, आप देखिए 77.61 पार्टिसिपेशन यहाँ पे वोटिंग के हुए हैं। द पोलिंग विच स्टार्टेड एट 8 AM एंड एंडेड बाय 4 PM मार्क्स अ क्वांटम जंप फ्रॉम अराउंड 70% पोलिंग रिकॉर्ड ड्यूरिंग 2018 काउंसिल इलेक्शन अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल। तो 70 से 77% यहाँ पे जंप हुआ है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। ये जब आपका कारवा, मतलब आप मान लीजिए पोस्ट 2019 है, ये प्री 2019 है, इलेक्शन कारवा आउट होने से पहले, कारवा आउट होने के बाद। इन ऑल 85 कैंडिडेट्स आर इन अ फ्रे फ्रॉम फॉर द 26 मेंबर हिल काउंसिल विथ कांग्रेस फील्डिंग द हाईएस्ट नंबर एट 22 फॉलोड बाय 17 ईच फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस NC एंड द भारतीय जनता पार्टी BJP। द BJP इज फेसिंग एन अपहिल टास्क अगेंस्ट द नेशनल कांग्रेस कंबाइन। देर आर 24 कैंडिडेट्स हु आर कंटेस्टिंग एज इंडिपेंडेंट इन दिस इलेक्शंस व्हिच विल रिफ्लेक्ट द मूड ऑफ द पीपल ऑन द सेंटर्स मूव टू ग्रांट UT स्टेटस टू लद्दाख कॉम्प्रोमाइजिंग लेह एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स। कारगिल हैज द पॉपुलेशन ऑफ 1.08 lakh and around 65,000 voters with Shia Muslim population is majority. Polling booths were abuzz with men and women since morning at Kargil Kaksar village located at an altitude of 14,000 feet. Muzaffar Ali, 51, a voter in Kaksar, described the first ever poll held under the Union Territory of Ladakh carved out from Jammu and Kashmir in 2019 as significant and decisive. Village dislocated. During 1999 Kargil war, Kaksar village saw the dislocation of the entire local population because of incessant Pakistani shelling from the peak nearby overlooking at Highland Plateau. The ceasefire agreement between India and Pakistan has brought relief to locals. We welcome it, Mr. Ali said. वहाँ के जो local वो मुजफ्फर अली रेसिडेंट है। ही इज हाउएवर क्रिटिकल ऑफ द सेंटर्स मूव टू सेपरेट कारगिल फ्रॉम कश्मीर एंड सेज इट वॉज नॉट द राइट मूव। ठीक है, वी बिलीव स्टेटहुड एंड द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स 370 शुड बी रिटर्न टू अस। मिस्टर अली ने बोला है 370 आ जाना चाहिए। पता नहीं क्या सोच रहे हैं ये लोग। बिल्किस नशरीन, 19, अ स्टूडेंट हु इज ऑल्सो अ फर्स्ट टाइम वोटर फ्रॉम कक्सर विलेज विच हैज ओवर 600 वोटर्स सेड सी वोटेड for a strong hill council that upgrades the poor education sector by getting more professional colleges to Kargil. A majority of voters in the Kargil district expressed resentment over the central decision to bifurcate Jammu and Kashmir into two UTs. So, ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पसंद आ रहा है। I am an Indian. People of Dras helped the army fight the Pakistani army in 1999, but Dras sees its identity closure to Kashmir, where we have centuries old link. Restoring Article 370 would help in protecting our identity. Gyasuddin, a shopkeeper at the world's second coldest place, Dras said. तो ये उन्होंने साफ बोला है कि ये अपना, इनके एक स्पेशल आइडेंटिटी है, तो ये वो नहीं चाहते हैं कि वो जाए। बाकी पाकिस्तान के खिलाफ तो हमने इंडिया की हेल्प की ही है, इन्होंने साफ ये चीज़ क्लियर कर दिया है। In Hunderman, overlooking the villages of Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan, voter says the government is unmoved by the water crisis faced due to the dip in the snowfall. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले आप देखिए लद्दाख में, कारगिल में आपका ये जो पोस्ट 2019 जो हुआ था बाइफरकेट हो चुका है, बाइफरकेशन डन। उसके बाद से यहाँ पे 77% लोग वोट देने आए।
अर्लियर इन 2018 इट वॉज 70%। तो ये क्वांटम जंप है, 7% लोग ज़्यादा यहाँ पे अपना वोट देने आए हैं, बहुत अच्छा लगा। मेजोरिटी लोगों का यही है कि भाई 2019 वाला जो डिसीजन था 370 आर्टिकल को हटा देने का, वो गलत था। लोग बोले यहाँ पे हम इंडिया के साथ हैं, पर हमारा कुछ एक रीजनल आइडेंटिटी भी है जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आर्टिकल 370 हमारे पास रहना चाहिए। हम कश्मीर के ज़्यादा क्लोज है इंडिया से, पर हम इंडियन ही हैं। हमने पाकिस्तानी को आर्मी को हटाने में इंडियन आर्मी की हेल्प की है, इनका साफ ये कहना है। अब देखिए बात रही गिलगित बाल्टिस्तान की, यहाँ पे साफ एक चीज़ पता चली, वाटर क्राइसिस है, डिप इन स्नोफॉल है, जिसके वजह से आर्मी को भी हमारे प्रॉब्लम होती है। बस इस आर्टिकल में हमारे लिए इतना ही था, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पे हो गया। पर कहीं ना कहीं लोकल सेंटिमेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे ये यह है कि हमारा लोकल जो स्पेशल आइडेंटिटी था वो हमारे पास होना चाहिए, पर इंडियन गवर्नमेंट जो करती है वो कहीं ना कहीं एक मैक्रो लेवल पे देख कर कर रही है, वो एक माइक्रो लेवल पे नहीं कर रही है, वो एज अ होल इंडिया देख के कर रही है। तो हो सकता है थोड़ा आज इन लोग को बुरा लग रहा हो, पर मे बी कल इन लोगों के लिए, मे बी क्या, डेफिनेटली इन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।